मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कई ट्वीट किए। सपा अध्यक्ष ने लिखा है, एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सरकार इतनी डर रही है कि मुझे लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। अखिलेश यादव अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, बिना किसी लिखित आदेश के मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया। पूछने पर भी स्थिति साफ करने में अधिकारी विफल रहे। छात्र संघ कार्यक्रम में जाने से रोकना का एकमात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी विचारों और आवाज को दबाना है। आपको बता दें, जो भी रही हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह रोका जाना कई लोगों को सहज नहीं लग रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, एक पूर्व सीएम को यूं जहाज पर चढ़ने से रोकने और प्रयाग ना जाने देने की वजह कुछ भी हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। फिर आप योगी के हेलीकॉप्टर को बंगाल में ना उतारने की इजाजत पर हल्ला करने का हक खो देते हैं। आज आप रोकिए, कल कोई और रोकेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी लगातार इसका विरोध कर रहा था। सोमवार को यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन के सामने बम भी फोड़े गए थे। बम किस संगठन या छात्र ने फोड़ा, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बम कांड के बाद यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अखिलेश यादव को रोके जाने के विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने खुद इस बारे में उनसे अनुरोध किया था कि सपा अध्यक्ष के दौरे से यहां छात्र संगठनों के बीच विवाद पैदा हो सकता है और कानून व्यवस्था को लेकर हालत खराब हो सकते हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने से रोकने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।